स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि सर मार्कशीट कब आएगी। तो मार्कशीट आने से पहले भी एक स्टेज है जो आपको करना होता है, उसके बाद ही मार्कशीट जनरेट होती है। अगर मार्कशीट आ भी गई सभी बच्चों की, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये प्रोसेस नहीं किया जाए तो मार्कशीट जनरेट नहीं होती है। जैसे ये देख रहे होंगे, यहाँ पर एक 18-20 का बच्चा है, इसका रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया था। एक बैक पेपर दिया था लगभग, मुझे लग रहा है 2-3 महीने पहले, दिसंबर वाले में। तो उसके बाद मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं किया था, मार्कशीट इन द सेंस कि रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए इसकी मार्कशीट बच्चे की जनरेट नहीं हो रही है। तो वही प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस मैं बता दूँ, ये प्रोसेस आप अपने कॉलेज की सहमति से अपने टीचर की उपस्थिति में करें, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ करेंगे तो उसमें क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपको भविष्य में समस्या होगी और आपका कॉलेज भी इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है, जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन में जाना है, मार्कशीट वेरिफिकेशन में जाना है, अपना रोल नंबर डालना है, जो भी ऐसे खास करके ऐसे बच्चों के लिए जरूरी जो इनका रिजल्ट अभी आया है रिसेंटली या जिनका थोड़े दिन पहले आया है। तो मार्कशीट जनरेट नहीं होगी जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करते। क्या करना है आपको, आपको जाना है वेरिफिकेशन, मार्कशीट वेरिफिकेशन में, और आपने अपना रोल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी एग्जाम्स आपका था, एनुअल था, तो एनुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस ईयर सेमेस्टर या जो भी कुछ रहा होगा, अगर सेकेंड ईयर की बैक थी या सेकेंड ईयर में आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को आपको सर्च कर लेना है। रिजल्ट नीचे आएगा तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने से पहले आपको देख लेना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है जिसमें कोई समस्या ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप कॉलेज से डिस्कशन कर लीजिए कि उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ना। अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नाम और जो भी नंबर वगैरह पाए हैं सब कुछ ओके है, तो सिंपल एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करते समय आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा आपका, उसको वहाँ पर एंटर करना है और एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी वहाँ पर नेट शायद स्लो है या साइट बिजी, इसकी वजह से पेज ओपन होने में थोड़ा समय ले रहा है। उसके पहले मैं बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ग्लोबल आईटीआई सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको आईटीआई से रिलेटेड जानकारी मिलती है, साथ में ही आईटीआई एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ग्लोबल आईटीआई के साथ मिलेंगी। ग्लोबल आईटीआई के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आईटीआई के क्षेत्र में आपको काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए कई सारे ऑप्शन हैं ग्लोबल आईटीआई के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो। जब आप वेरिफिकेशन में अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे ये बच्चा है सेकेंड ईयर का रिजल्ट मैंने इसका ओपन किया हुआ है, ठीक है, 2018-20 का कैंडिडेट था, इसका एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बैक थी, फिलहाल जो एग्जाम दिया पास हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेप्ट रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट रिजल्ट करने के बाद ही मार्कशीट जनरेट होगी। जब तक ये एक्सेप्ट रिजल्ट नहीं होता, अगर 1 महीने 2 महीने 4 महीने अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिजल्ट को, तो मार्कशीट उसका आगे का पता नहीं कब तक होगा। क्योंकि मैंने देखा ये बच्चा काफ़ी पहले का, इसका रिजल्ट बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन एक दिन मार्कशीट के लिए बात हुई तो पता चला कि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है रिजल्ट। तो हम सिंपल यहाँ पर करेंगे एक्सेप्ट पर क्लिक, और एक्सेप्ट रिजल्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट को अपना डेट ऑफ बर्थ जो सही सही है उसको यहाँ पर एंटर करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा जिसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि आपका जो रिजल्ट है आपने एक्सेप्ट कर लिया, वेरीफाई हो चुका है, और आपकी जो मार्कशीट है वो 24 घंटे बाद जनरेट हो जाएगी। तो ज़्यादातर 24 घंटे बाद जनरेट हो जाती है। अभी कभी ना हो तो 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, कभी कभी छुट्टियाँ वगैरह हो जाए बीच में तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया है ज़्यादातर जो मार्कशीट है 24 घंटे बाद जनरेट हो जाती है। तो ये वेरीफिकेशन का प्रोसेस है जो जरूरी है मार्कशीट को जनरेट होने के लिए। कैसे होगा, वेरिफिकेशन में जाना है, मार्कशीट वेरिफिकेशन में जाना है, आपको रोल नंबर और जिस भी ईयर में आपने रिसेंटली अभी जो भी एग्जाम दिया था, फर्स्ट ईयर के दिया था, सेकेंड ईयर के दिया था, जो भी उसको सेलेक्ट करना है, अपना रिजल्ट देखना है, नीचे की तरफ आना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये है प्रोसेस, मैंने सोचा सबको बता दें, लेकिन शुरू में मैंने बोला था और लास्ट में बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को अपने कॉलेज के किसी फैकल्टी स्टाफ या जो जो भी इस चीज़ को हैंडल करता होगा आपके यहाँ, उनके यहाँ जाइए, उनसे बोलकर ये चीज़ करवा सकते हैं अगर आपकी मार्कशीट में डिले हो रहा है तो। अपने से कुछ भी करेंगे तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुछ ऐसे सेंसिटिव वर्क होते हैं जो आपको स्वयं नहीं करना चाहिए, जैसे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होता है, एडमिट कार्ड जनरेशन हो या मार्कशीट जनरेशन हो, आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को, हालांकि इतना समझाने के बाद भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो सकता हो 2-4, 10-20 बच्चे समझ जाएँ, तो एटलीस्ट उनके साथ तो गड़बड़ नहीं होगी। हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि आईटीआई स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। फिलहाल आप वीडियो देख रहे थे ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।